आईटी ट्रेनर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक एमएस एक्सेल। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हम ये देखेंगे कि एक्सेल हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे एमएस एक्सेल, ये सबसे ऊपर आ जाता है एमएस एक्सेल। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक्सेल के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। एमएस एक्सेल के कई वर्जन पहले भी आ चुके हैं और हर वर्जन में कुछ ना कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं। तो एक्सेल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। इसका ज़्यादातर यूज़ होता है डेटा और फाइल को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में डेटा जो होता है वो रोज और कॉलम में स्टोर होता है। एक्सेल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फाइनेंशियल डेटा में, जो हमारी मैथ होती है उसके कैलकुलेशन करने, जैसे वैल्यू ढूंढना, एवरेज निकालना, काउंट करना, परसेंट निकालना आदि के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक्सेल में हम चार्ट, ग्राफ, डेटाबेस और डेटा एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है पूरा हमारा एमएस एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका फुल फॉर्म है। तो सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे बुक वन लिखा हुआ, बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये होता है हमारा टाइटल बार। जहाँ पर बुक वन लिखा है, यदि हम अपनी कोई फाइल बनाते हैं और उसको अपने नाम से सेव करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर सेव हो जाती है और बुक वन की जगह हमारा नाम आ जाता है। तो ये जो होता है, ये होता है टाइटल बार। देन हमारा आता है क्विक एक्सेस बार, ये होता है क्विक एक्सेस बार, इसमें ये सेव का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। देन अंडू और रीडू, ये दो ऑप्शन यहाँ पर ऐड किए हुए हैं बाय डिफॉल्ट। देन इसमें ये क्विक एक्सेस के बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यू, ओपन, सेव तो ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है, ईमेल, क्विक पॉइंट आदि आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर न्यू ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से न्यू ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर न्यू में डायरेक्ट इस पर क्लिक करूंगी तो एक और वर्कशीट खुल जाएगी, और मैं इसको यहाँ से अगर हटाना चाहूँ तो ये मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगी तो ये हट जाएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट है टाइटल बार, सेकेंड है क्विक एक्सेस बार। देन इसमें होता है एक ऑफिस बटन, ये ऑफिस बटन आप इसमें क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से भी आप एक नई फाइल ओपन कर सकते हैं, यहाँ से ओपन जो आपने कई पुरानी फाइल्स ओपन सेव करके रखी हैं वो ओपन कर सकते हैं। ये सेव का ऑप्शन होता है, ये सेव एज इत्यादि, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। प्रिंट, यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं। और रीसेंट डॉक्यूमेंट आप देख रहे होंगे यहाँ पर, रीसेंट डॉक्यूमेंट, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स वो फाइल्स होती हैं जो आपने अभी रीसेंट एक या दो दिन के अंदर में बनाई हुई है, वो सारी फाइल्स यहाँ पर आ जाती हैं, तो आप इनको ओपन कर सकते हैं। और ओपन में आप काफ़ी सारी पुरानी जो फाइल्स हैं वो कोई भी पुरानी फाइल्स आप ओपन कर सकते हैं। तो ये होता है ऑफिस बटन। देन हम आते हैं नेक्स्ट होता है, ये होता है हमारा रिबन, जिसमें आप देख रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू, ये होता है रिबन होता है। रिबन के अंदर आते हैं हमारा मेन्यू बार, ये सारे हमारे मेन्यू बार हैं। जैसे कि होम टैब के अंदर आप दिख रहे हैं काफ़ी सारे मेन्यूज आपको दिख रहे हैं, ऐसे ही आप इंसर्ट में देखेंगे, इंसर्ट में भी मिलेंगे आपको मेन्यूज, पेज लेआउट में भी काफ़ी सारे मिलेंगे, फॉर्मूलाज में आपको सारे जो फॉर्मूले होते हैं वो मिल जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं डेटा, डेटा में भी आपको काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। रिव्यू का ऑप्शन होता है, इसमें स्पेलिंग चेक होता है, रिसर्च होता है, व्यू में आप काफ़ी सारे ऑप्शंस देख रहे हैं। तो ये सारे होते हैं मेन्यू बार के अंदर अंदर आते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट होता है होम टैब, इसके अंतर्गत बहुत सारे, सारा जो हमारा वर्कबुक पर काम होता है वो ज़्यादातर यहीं से होता है। इसमें होम टैब में आपका ये फॉन्ट स्टाइल आ जाएगा, यहाँ से आप अलाइनमेंट्स बॉक्स होता है, ये नंबर बॉक्स होता है, ये स्टाइल चेंज करने के लिए होता है, और यहाँ से आप फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। देन आते हैं, ये जो पूरी आपको दिख रही है ये होती है वर्कबुक, ये पूरी वर्कबुक है। इसमें आपको एक शीट, इसमें बाय डिफॉल्ट तीन शीट्स दी हुई होती हैं एक्सेल में, आपको ये फर्स्ट शीट, सेकेंड शीट और ये थर्ड है। इसमें आप और ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, ये फोर्थ शीट आ जाएगी। हम आते हैं फर्स्ट शीट पर, इसमें आप देख रहे होंगे ये सारी कॉलम और रोज दिख रहे हैं, ये होते हैं हमारे कॉलम, ये कॉलम होते हैं और ये होती है हमारी रोज, ये पूरी रोज होती हैं।
ये सारी नीचे आप देख रहे हैं ये रो है और ये होता है हमारा कॉलम। तो एक्सेल के लिए कॉलम जो होते हैं वो नंबर से सॉरी अल्फाबेट से डिफाइन किए जाते हैं और जो रोज होती हैं वो ये नंबर से डिफाइन की जाती हैं। आप देखेंगे जो वर्टिकल में हमारे कॉलम है इनकी जो काउंटिंग होती है वो होती है 16384, मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पर सारी ये 16384 मिलेंगे और ये जो आपकी रोज होती हैं ये रो आपको मिलेंगी 1,48,576 रोज होती हैं, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ये होते हैं सेल, इनको हम बोलते हैं सेल। देन हम आते हैं नेम बॉक्स पर, ये होता है हमारा नेम बॉक्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पर नेम बॉक्स आ गया है, इसमें लिखा हुआ है B3, मतलब बी नंबर का कॉलम है और 3 नंबर की रो है इसलिए ये B3 दिखा रहा है। जैसे कि हम सी पर जाएंगे तो ये सी नंबर का कॉलम है और 2 नंबर की इसकी रो है तो ये डिफाइन करता है नेम बॉक्स। यहाँ पर हम आएंगे तो ये होता है फॉर्मूला बॉक्स, यहाँ पर हम कोई भी फॉर्मूला जैसे कि ऐड करते हैं तो यहाँ पर वो फॉर्मूला पूरा आपको दिख जाएगा, तो उसमें यदि आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। देन हमारा आता है ये होता है हमारा स्क्रॉल बार, इसको अप डाउन कर सकते हैं मतलब ऊपर से नीचे लेके जा सकते हैं, यदि हमारी शीट और नीचे है तो ये हम इससे ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे जा सकते हैं। और ये होता है बाएं और दाएं के लिए, यदि हमारी शीट और आगे बढ़ रही है तो हम इससे बाएं और दाएं कर सकते हैं। देन हमारा होता है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जूम का ऑप्शन आता है, यहाँ से प्लस आप करेंगे तो ये आपकी शीट बढ़ जाएगी यानी जूम हो जाएगा और यदि आप माइनस करेंगे तो ये माइनस में ये कम होते जाएगी मतलब जूम आउट होते जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये 100 ही यूज किया जाता है, 100 में एकदम परफेक्ट दिखती है ये हमारी शीट। देन हम आते हैं होम टैब में, आप देख रहे होंगे काफी सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट होता है हमारा कट का ऑप्शन, कट के बारे में हम पढ़ेंगे, कट द सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। कट ऑप्शन इसके लिए यूज किया जाता है जैसे कि हमने कोई भी शब्द लिखा है और उसको हमें किसी दूसरी जगह पर ले जाना है, कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना है तो हम कट ऑप्शन का यूज करेंगे तो वो वहां से हट के और दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। कॉपी होता है, कॉपी आप सभी जानते हैं, इसे हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक हमने यहाँ पर कुछ भी वर्ड लिखा है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्सेल लिखा है और एक्सेल को मैं इसको उठा के यहाँ सभी जगह पेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं इसको उठा के यहाँ से कॉपी करूंगी और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी, नॉर्मल पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये होता है कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है। देन हमारा ये होता है ये आप देख रहे हैं एक फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर पर हम पढ़ेंगे, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर, डबल क्लिक दिस बटन टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग टू मल्टीपल प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट पेंटर उसके लिए यूज होता है जिससे कि हम किसी चीज का फॉर्मेट किसी दूसरी जगह पर पेस्ट कर सके, मान लीजिए एक्सेल में हमने इसमें कोई कलर डाला हुआ है बैकग्राउंड कलर और यही कलर हम इसमें भी चाहते हैं तो हम इसके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर दोबारा से क्लिक कर देंगे तो इसका फॉर्मेट मतलब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इसमें भी आ जाएगा। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये होते हैं फॉन्ट, यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, काफी सारे फॉन्ट्स हैं इसमें, इनको आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अल्गेरियन चाहिए तो ये देखिए यहाँ पर इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप फॉन्ट की साइज भी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ये साइज के लिए होता है 14, 18, 20, 72 तक होता है और हम अपने हिसाब से यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। ये होता है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज। एंड आप देख रहे हैं बोल्ड, इससे हम मेक द सिलेक्ट टेक्स्ट बोल्ड, ये जो हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है इससे। ये इटैलिक होता है, इटैलिक कर सकते हैं इससे हम। और ये होती है अंडरलाइन, इससे हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने किसी टॉपिक में टॉपिक डाला हुआ है, सबसे फर्स्ट उसका टाइटल डाला हुआ है, वहां पर हमें अंडरलाइन करना है तो हम इस ऑप्शन से अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर इसमें एक और ऑप्शन होता है डबल अंडरलाइन, मतलब आप इसमें डबल दो बार अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ये दो बार मैंने इसको अंडरलाइन किया है तो ये डबल बार अंडरलाइन हो जाता है। देन हम आते हैं ये होती है बॉर्डर्स, अप्लाई बॉर्डर
टू द करेक्टली सिलेक्ट सेल. मान लीजिए मुझे इतनी जगह पर बॉर्डर्स चाहिए है, तो ये फर्स्ट है हमारी बॉटम बॉर्डर. बॉटम मतलब नीचे, टॉप बॉर्डर ऊपर, लेफ्ट बॉर्डर में बाएं साइड आ जाएगी आपकी बॉर्डर और राइट बॉर्डर में दाएं साइड आ जाएगी. नो बॉर्डर होता है मतलब इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं लगाना है. मान लीजिए कहीं बॉर्डर लगे वो हमें हटाना है तो हम नो बॉर्डर का यूज कर सकते हैं. सबसे ज्यादा यूज होता है ऑल बॉर्डर्स का. ये होती है ऑल बॉर्डर. इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरे में बॉर्डर आ जाएगी. ये आप देख रहे हैं. देन क्विक आउट, सॉरी आउटसाइड बॉर्डर्स. मतलब यहाँ पर ए के नीचे यदि हम यहाँ से पूरे में बॉर्डर्स लगाना चाहें तो यहाँ पर वो आउटसाइड में बॉर्डर आ जाएगी. देन होता है थिक बॉर्डर, मतलब थोड़ा सा मोटा. ये सारी बॉर्डर्स हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं. ड्रॉ बॉर्डर, यहाँ से हम खुद से अपनी बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ से ये इरेज का ऑप्शन होता है, मतलब आप हटा सकते हो. लाइन कलर, इसमें आप डिफरेंट टाइप के कलर्स भी दे सकते हैं अपनी बॉर्डर में, स्टाइल में, अलग अलग इसमें स्टाइल्स में डिफरेंट टाइप की बॉर्डर्स आ जाएंगी. जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं यहाँ से. देन हम आते हैं फॉन्ट कलर. फॉन्ट कलर में क्या होता है, ये बैकग्राउंड के लिए होता है. इसमें आप अपने फॉन्ट के पीछे जो कलर देना चाहें वो आप कलर दे सकते हैं यहाँ से. इसमें मोर कलर्स में आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे. देन नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट कलर. इसमें आपका जो आपने वर्ड लिखा हुआ, जैसे कि आपने एक्सेल लिखा हुआ है, इसमें आप कोई कलर देना चाहें तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को दे सकते हैं. मैंने रेड दिया हुआ है. देन ये होता है हमारा इंक्रीज फॉन्ट साइज. यहाँ से भी आप फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं. ये देखिए, ये फॉन्ट साइज इंक्रीज होते जाएगी. और ये होता है डिक्रीज का ऑप्शन, डिक्रीज द फॉन्ट साइज. यहाँ से आप फॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं, अपने आप फॉन्ट साइज कम होती जाएगी. तो स्टूडेंट्स, हमने अभी होम टाइम में आपके लिए कट कॉपी, फॉर्मेट, पेस्ट और फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर्स, फॉन्ट साइज, इंक्रीज, डिक्रीज, कलर के बारे में हमने पढ़ाई की है. इसके बाद ये था हमारा होम टाइम में फॉन्ट साइज के बारे में हमने पढ़ाई की है. नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.